बहुत बढ़िया पिक्चर है, एंटरटेनमेंट अच्छा है। इसमें थोड़ा मतलब जादू ये सब दिखाया है, ये सब अंधविश्वास बोला जाता है, ये अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ये फिल्म बनाई है। तो किस तरह की फिल्म लगी आपको? ये बहुत अच्छी है, आप एक बार देखोगे और सब पब्लिक देखेगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या मजा आया कि नहीं आया, कि अपने पैसे तो वसूल 100% है। ये बहुत दिनों के बाद ऐसी फिल्म में मैं हॉल में बैठा था, तो काम जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत अच्छा अंजाम दिया है, और दूसरा मैं सबसे पहले उसमें जो दो तीन कैरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें तांत्रिक है, उसके बाद जो मेन विलेन एक लेडी है जो डॉक्टर की बीवी बनी है, बहुत अच्छी और अच्छी है, एंटरटेनमेंट है मिलेगी इसमें लोगों को, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्में आई, इस तरह की फिल्में जो होती है अंधविश्वास के ऊपर होती है, कोई मानता नहीं है आज की डेट में, लेकिन इस तरह के दर्शकों को ऐसा क्या इसमें खास देखने को मिलेगा? नहीं, क्या है कि ये बात सही है कि अंधविश्वास में लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फिल्म में एक प्लस पॉइंट क्या है कि अंधविश्वास को एक तरफ बढ़ावा दिखाया जा रहा है कि अंधविश्वास लोग मानते हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो सैलानी बाबा हैं उनकी महिमा, उनकी कृपा बहुत है लोगों पर, आज भी लोग उन पर विश्वास करते हैं और उनसे फ़ायदा लोगों को होता है। तो इस फिल्म में सैलानी बाबा की बहुत सारी चीज़ों के प्रकोप को, बहुत उनकी बहुत सारी जो ये सच्चाई है जो जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा लगता है और इनको मिलता है। आज की जनरेशन को इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं है, लेकिन अगर ये फिल्म देखेंगे तो क्या बिलीव करेंगे? 100% बिलीव करेंगे कि ये अंधविश्वास है, उस पर विजय जो होती है वो सैलानी बाबा, उनकी ताकत, उनकी महिमा परंपरा है, और उनको उनके ऊपर विश्वास करके अंधविश्वास पे विजय पाई जा सकती है। हक के सैलानी आज क्या है कि पीर पैगंबरों पर भी नज़र लगती है, और हम और तुम क्या चीज़ें, और हमारा जो शहनशाह है, बादशाह है, वो ख्वाजा गरीब नवाज है, उनके सिलसिले वाइज पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने पे हाजी अली बाबा, मखदूम शाह बाबा और बड़ी बड़ी हस्तियां जो बैठी हुई है। आज जादू टोना पीर पैगंबरों पे भी चलता है, तो ये सब चीज़ें जो है, मेरा दातार है कच्छ में है, महाराष्ट्र में है, जो आदमी अपने जो जाके चीज़ें उतारता है, और ये मैसेज बहुत प्यारा मैसेज है, और आई लव यू, मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। खुदा हक्के सैलानी बहुत अच्छी मूवी लगी, आउट ऑफ 5 में से मैं 4.5 की रेटिंग देना चाहूँगा इसके लिए। ये एक अच्छा मैसेज है यहाँ के, एक अच्छा मैसेज दिया गया है ये मूवी के थ्रू में, पीर पैगंबरों के बारे में उस तरीके पूरा डिटेल्स बताया गया है, तो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी लगी मूवी मुझे। दर्शकों को देखना चाहिए, बिल्कुल ऑफकोर्स ये देखना चाहिए मूवी। हक्के सैलानी एक ऐसा मैसेज है फिल्म के बारे में, आस्था से रिलेटेड फिल्म है, और ये फिल्म को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और हम लोग काफ़ी जगह पर इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो बाबा के प्रति जो श्रद्धा है तो उसके बारे में ही पूरी फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इसमें कहाँ रिलीज करने की प्लानिंग है इस फिल्म को? देखिए, ये फिल्म हम लोग एंटायर मुंबई तो कर ही रहे हैं, मुंबई के साथ में हम लोग महाराष्ट्र भी कर रहे हैं, एंटायर महाराष्ट्र है, विदर्भ है, उसके बाद अपना औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये सब मराठवाड़ा है, ये सब जगह पे फिल्म रिलीज होने जा रही है। जैसे दिल्ली में बहुत से इस तरह के देखने को मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप किसी मदार पे जाओ तो वहाँ पे इस तरह का भरते हुए नजर आते हैं, जैसे किसी ने जादू परे भूसेन टेक लिए रतलाम के अंदर। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह, क्या उन जगहों पे आप रिलीज कर रहे? हाँ, उन जगहों पे भी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी हम लोग शायद हम लोग 2 वीक के बाद करें, क्योंकि अभी पद्मावती बड़ी फिल्म आ रही है, पैडमैन बड़ी फिल्म आ रही है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा थिएटर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसको हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर रिलीज़ हो फिल्म, है ना, प्रॉपर रिलीज़ होगी तो प्रॉपर लोगों के पास पहुंचेगी, प्रॉपर मैसेज मिलेगा, तो इसलिए हम लोग ये फिल्म अभी ये 19 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं, 19 तारीख के बाद हम लोग 2 वीक के बाद इसको रिलीज़ करेंगे। हक्के सैलानी का प्रीमियर था जी, आप दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्या सीखने को मिलेगा? सर, ये दर्शकों से मैं एक ही अपील करूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म आस्था से रिलेटेड है, अपने सैलानी बाबा है, सैलानी बाबा जी से रिलेटेड है, तो ये फिल्म के ज़रिए आपको पता चलेगा कि जैसे कई लोगों के लाइफ के अंदर एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमारे ये वर्ल्ड वाइड होता है कि भाई जैसे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये वो, तो ये बाबा की दरगाह पे जा करके इनसे मतलब सच्चे दिल से अगर दुआ मांगी जाए तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट पूरे दूर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।